वेलकम टू गमेटिक्स एंड दिस इज सुमेधा सिंह और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे दी इंपॉर्टेंट स्कड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनफैक्ट इंपॉर्टेंट क्या सभी स्कीड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस वे से भी क्योंकि इसमें से बहुत ही सिंपल और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है ठीक है इफ़ यू आर प्रिपेरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज़ अगर आपका टॉपिक है और उसमें इंडियन पॉलिटी एक सब टॉपिक है तो आप ये मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा इवन इफ़ यू आर प्रिपेरिंग फॉर सी डी एस एंड एन डी ए यू नो यू पी एस सी इज़ नोन की वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछती है एनालिटिकल क्वेश्चन पूछती है बट इफ़ यू हैव ऑब्जर्वड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन यू वुड हैव ऑब्ज़र्व्ड कि uh, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है ये किस स्कड्यूल नंबर में आता है या ये किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से आया गया सो दीज आर वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी क्वेश्चन एंड हम इसको इग्नोर कर जाते हैं बहुत बार बिकॉज वी फो टू रिवाइज दिस टॉपिक तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगेन तो देखिए एक बहुत ही यू नो एक फ्रेज है बहुत इंपॉर्टेंट टीयर्स ऑफ ओल्ड पी एम तो अगर ये आपको पता है ऑलरेडी तो वेल एंड गुड आपकी रिविजन हो जाएगी और अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज गोना सेव सो मच ऑफ योर टाइम तो देखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पी एम जो है इसमें एक एक लेटर जो है इस पर्टिकुलर फ्रेज में एक एक लेटर स्टैंड्स फॉर अ की वर्ड हर स्कड्यूल का अगर आप इस लेटर को यू नो रिलेट कर दें उस पर्टिकुलर सब सब्जेक्ट से उस पर्टिकुलर वर्ड से तो आपको uh, एक यू you नो know, एक पूरा लिस्ट आपके माइंड में बन जाएगी विल क्रिएट अ माइंड मैप ऑफ ऑल ऑफ दो स्कीड्यूल्स ठीक है तो वो क्या है वे नोट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ तो विल क्विकली रिवाइज एक बार एक क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या स्कड्यूल्स हैं और उसके बाद हम उसका को बना पाएंगे इस फ्रेज़ के साथ ठीक है तो पहला स्कड्यूल जो है इट टॉक्स अबाउट टेरिटरीज ठीक है यहाँ से आप देख भी लीजिए टी स्टैंड फॉर टेरिटरीज अभी आगे भी आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से टी विल स्टैंड फॉर टेरिटरीज स्टेट्स जो हैं आपकी यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिटुंसीज की क्या हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजन्स क्या हैं दैट इज़ वॉट योर फर्स्ट स्कीड्यूल टॉक्स अबाउट ओके सेकेंड स्केड्यूल में आती है आपकी इमोल्यूमेंट्स सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स ठीक है ई विल स्टैंड फॉर इमोल्यूमेंट्स आगे भी यू नो आल मेक uh, श्योर sure कि आपको उसको ढंग से यू कैन ग्रास इट तो अभी यू जस्ट अंडरस्टैंड ई विल स्टैंड फॉर सैलरीज एंड एमोलूमेंट्स अब सैलरीज एंड एमोमेंट्स में इंपॉर्टेंट है कि किन की सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स सैलरीज एंड इमोलूमेंट्स होंगी आपकी प्रेजिडेंट की आपकी आ, स्टेट के गवर्नर्स जो हैं उनकी फिर जो कैग है उसकी आ, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस हैं फिर आपके लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर और आ, स्पीकर है फिर चेयरमैन का जो आपका चेयरमैन जो है आपका राज्यसभा का और डिप्टी चेयरमैन जो है फिर आपकी जो स्टेट लेजिसलेटर्स हैं उनके स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स तो इन लोगों की जो सैलरीज एंड एमोलूमेंट्स हैं वो आती हैं सेकेंड स्कड्यूल में ओके नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड स्कड्यूल एंड थर्ड स्कीड्यूल टॉक्स अबाउट ओथ एंड एफॉर्मेशन ठीक है अब ये ओथ एंड एफॉर्मेशन जो है ये किन की है दिस इज इम्पोर्टेंट ओथ एंड एफॉर्मेशन जो है इसमें आपका आ, आता है जो आपके एम पीज हैं मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं एम एल एज हैं फिर आपके जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं आपके स्टेट मिनिस्टर्स हैं आपके जो यू नो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और uh, जो आपका कैग है तो इन लोगों की जो ओथ एंड एफॉर्मेशन है उससे डील करता है थर्ड स्कड्यूल और राइट नविग्रह टॉक अबाउट फोर्थ स्कड्यूल तो फोर्थ स्कड्यूल जो है आपका यहाँ से देख भी सकते हैं आप आर आर विल स्टैंड फॉर राज्यसभा तो so, राज्यसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो किस तरीके से फॉर्म होती हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं कुछ भी है तो दैट कम्स अंडर योर फोर्थ स्कीड्यूल फिफ्थ स्केड्यूल विल टॉक अबाउट स्कीड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स एस विल स्टैंड फॉर एंड एरिया ट्राइब्स ठीक है तो दिस इज वॉट योर एस विल योर फिफ्थ स्केड्यूल विल स्टैंड फॉर ओके दिस इज वॉट यू नीड टू लर्न राइट नाउ सिक्स स्कड्यूल की बात करते हैं छठे स्केड्यूल की बात करते हैं इट टॉक्स अबाउट अदर स्केड्यूल्ड एरियाज ठीक है ओ से आप इसको कोरिलेट करिए अदर्स स्केडूल्ड एरियाज अब वो अदर स्केड्यूल्ड एरियाज क्या है अदर स्केड्यूल्ड एरियाज़ में आपके आती है चार इंपॉर्टेंट स्टेट्स ठीक है यू शुड रिमेंबर उनका नाम असम मेघालिया मिजोरम एंड त्रिपुरा ठीक है असम मेघालिया मिजोरम एंड त्रिपुरा ये इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है कि सिक्स स्कड्यूल की स्टेट्स कौन सी हैं तो ये आपकी स्टेट्स हैं एंड यू शुड रिमेंबर दैम नाउवे करो टॉक अबाउट द सेवंथ स्कड्यूल तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही बार पूछा गया है कि जो आपकी सब्जेक्ट लिस्ट हैं ठीक है थीके? वो आ, किस स्कड्यूल के अंडर आती हैं तो उससे डील करता है आपका सेवंथ स्केड्यूल सेवंथ स्केड्यूल में आपकी यूनियन लिस्ट जो है आपकी स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट देखिए इंडिया में थ्री फोल्ड इन्यूमरेशन है क्या है थ्री फोल्ड इन्यूमरेशन और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में इंडिया में आई थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन द ईयर नाइनटीन थर्टी फाइव ओके सो वहाँ से इंडिया में थ्री फोल्ड इन्यूमरेशन आई थी एंड ये किस स्कड्यूल के अंडर आती है यह आती है सेवेंथ स्कीड्यूल के अंडर ओके okay? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीड्यूल है वो है एट्थ ठीक है आठवां स्कीड्यूल जिसको आप बोलिए एट्थ स्कीड्यूल टॉक्स अबाउट योर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ठीक है इसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ट्वेंटी टू यू नी टू रिमेंबर मैथिली बोडो संथली ये जो है ये लेटेस्ट ऐड हुई हैं इसमें तो टोटल ट्वेंटी टू हैं और इस लिस्ट में प्लीज़ रिमेंबर इंग्लिश नहीं आती ठीक है uh, जो आपकी एट्थ स्केड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं उसमें इंग्लिश मैंशन नहीं करी है ठीक है नाव वे कन टॉक अबाउट द नाइन्थ स्कड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाइन्थ स्कड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट लैंड रिफॉर्म्स जमींदारी सिस्टम तो देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल इससे कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ी हुई है क्या कॉन्ट्रोवर्सी है कि ये ऐड हुआ था आपका फर्स्ट अमेंडमेंट था ये ठीक है फ़र्स्ट अमेंडमेंट 1951 जो थी ये नाइन्थ स्ड्यूल ऐड करा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इसमें देखिए इस तरीके से इसको बनाया था कि इसमें आप जो पार्लियामेंट है जो भी एक्ट पास करता है लॉ पास करके एक्ट बनाता है मतलब जो भी लॉ है एक्ट है वो जुडिशल रिव्यू से इम्यून है ठीक है उसको जुडिशल रिव्यू से इम्यूनिटी है तो इस चीज़ को काउंटर करते हुए 2007 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हुआ था क्या हुआ था वो हुआ था आई आर कोहिलो केस ठीक है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए आप कुछ भी ऐसा एक्ट बनाएं बट अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आ, इरोड करता है तो वो चीज़ उसी टाइम नल एंड वॉइड हो जाती है और ये किस आ, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसको यूज करते हुए ये आ, एक जजमेंट दी थी आई कोहिलो ने वो लैंडमार्क केस है आपका केशव नंदा भारती केस 1972 तो आई आर कोयलो ने कहा कि 1973 से कोई भी ऐसा जो लॉ है एक्ट है वो इम्यून नहीं है यू कैन नॉट हैव अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी यू कैन नॉट हैव अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू एनी एनी लॉ और एक्ट बिकॉज दिस इज अगेंस्ट एंड दिस इज इन द वोलेशन ऑफ योर आर्टिकल थर्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू विच ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो दिस इज अबाउट योर नाइन्थ स्कड्यूल अब टेंथ स्कीड्यूल जो है आपका ये आपका डील करता है डिफेक्शन लॉज से ठीक है एंटी डिफेक्शन मतलब यू मस्ट नो एंड इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि विल मेक अ यू नो डेडिकेटेड वीडियो इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो डिफेक्शन लॉस क्या है कैसे हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अभी हमारे पास टाइम कम है तो ऑल यू नीड टू नो इज़ दैट टेंथ स्कड्यूल डील्स विद योर डिफेक्शन ठीक है एंटी डिफेक्शन लॉज अब हम बात करेंगे इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ स्कड्यूल के बारे में तो इलेवंथ एंड ट्वेल्थ स्कड्यूल जो हैं ये थोड़े सिमिलर से हैं इलेवंथ स्कड्यूल टॉक्स अबाउट पंचायत पंचायत की ग्राम पंचायत की क्या प्रोविजन हैं उनकी वर्किंग कैसी होगी उनकी अथॉरिटी क्या होगी उनकी जुरिस्ट्रिक्शन क्या होगी दिस इज वॉट योर इलेवंथ स्कड्यूल टॉक्स अबाउट एंड दिस वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई द सेवनटी सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन दयर नाइनटीन नाइन्टी टू ठीक है सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन दयर नाइनटीन नाइनटी टू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट पंचायती राज एंड म्यूनिपालिटीज़ जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे भी तो दिस वॉज अबाउट योर इलेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन इलेवंथ शेड्यूल ऑफ द इन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ वी अगर टॉक अबाउट द ट्थ स्कड्यूल तो देखिए ट्वेल्थ शेड्यूल जो है सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ठीक है सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन दियर नाइनटीन नाइनटी टू एंड इट टॉक्स अबाउट द प्रोविजनज एंड दूरिजिक्शन ऑफ योर म्यूनिसपालीज़ ठीक है सो so, अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से आई जस्ट एक्सप्लेन एवरी अब हम इसको रिलेट कैसे करना है इस पर्टिकुलर फ्रेज से वो देखते हैं तो देखिए ये बहुत ही ईजी है यू नो टीयर्स ऑफ द ओल्ड पी एम में टी विल स्टैंड फॉर टेरिटरीज फर्स्ट स्कड्यूल ई विल स्टैंड फॉर इमोल्यूमेंट्स सेकेंड स्कीड्यूल ए विल स्टैंड फॉर एफर्मेश्स थर्ड स्कीड्यूल आर विल स्टैंड फॉर राज्यसभा फोर्थ स्केड्यूल एस विल स्टैंड फॉर स्कीड्यूल्ड एरियाज़ एंड स्की ट्राइब्स इज़ योर फिफ्थ स्कड्यूल ओ विल स्टैंड फॉर अदर स्कीड्यूल्ड एरियाज़ जो मैंने आपको अभी बताए दैट विल बी योर सिक्स स्कीड्यूल एफ विल स्टैंड फॉर फेडरल लिस्ट यूनियन लिस्ट आपकी स्टेट लिस्ट आपकी कंकरेंट लिस्ट ओ विल बी दी एट्थ स्कीड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज नाइन्थ विल बी अबाउट लैंड रिफॉर्म्स जिसमें से आपको याद रखना है दो हज़ार सात का आई आर कोईलो केस और ये फर्स्ट uh, अमेंडमेंट थी नाइनटीन फिफ्टी वन में D will talk about your anti-defection laws and P will talk about panchayats. Remember, he added the 73rd Constitutional Amendment Act in the year 1992. M will talk about municipalities, jo ki the 74th Constitutional Amendment Act in the year 1992. So that was it for today's video, guys. And if you've liked the video, please uh, you know hit the subscribe button. And if you need key or पर्टिकुलर किसी टॉपिक से हम वीडियोस बनाए तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर वेवर एग्जाम्स यू हैव